तो चलिए फास्टली हम देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट में स्लाइडर्स कैसे लगाते हैं। स्लाइडर एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट में, और उसको हम लोग सिंपल 2-5 मिनट में देख लेंगे कि स्लाइडर्स को लगाते कैसे। तो सबसे पहले मैंने एक ये पेज लिया है, index.html, बेसिक HTML कंपोनेंट डाल दिया मैंने, इसको रन करा दिया और इस टाइप का ये कुछ दिख रहा है। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग यूज करेंगे glide.js का, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि हमें हेल्प करेगी स्लाइडर्स बनाने में। और इसका बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइडर का लुक आता है, और ये पूरी तरह से प्रॉपर कस्टमाइज करा जाता है ना। गिटहब विजिट करते हैं, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा और मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दो तीन फाइल चाहिए रहती है, एक ये स्टाइल शीट वाली है, ये थीम वाली तो ऑप्शनल है, और एक ये जावास्क्रिप्ट का चाहिए रहेगा, और ये HTML की वो रहेंगे कंपोनेंट। तो और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको जावास्क्रिप्ट का इनिशियलाइज करना है। तो हम यहाँ पे इसका CDN यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए, NPM के थ्रू नहीं इंस्टॉल करेंगे मॉड्यूल, हम डायरेक्ट इसका CDN यूज करेंगे। हम सर्च करते हैं CDN पे कि ग्लाइड जेस का CDN क्या है, तो गूगल के थ्रू ये रिजल्ट मिला मुझे। इसके अंदर से हम क्या करेंगे कि ग्लाइड डॉट मिन वाला जो है, जो मिनिफाइड वर्जन ऑफ ग्लाइड जेस है, उसको मैं सबसे ऊपर स्क्रिप्ट के अंदर डाल लिया मैंने, ठीक है। और अब चलते हैं CSS वाले पे, तो CSS को भी कॉपी करा हमने और ये भी इसके ऊपर डाल दिया मैंने। तो CSS और जावास्क्रिप्ट हो गए, अब हम आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। पर जो NPM वाले हैं वो NPM से इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये सब जो लोकल फाइल्स हैं उसको वो डाल सकते हैं, जैसे इसके अंदर नोड मॉड्यूल के अंदर वो आपको जेनरेट होगा। तो आप जाएंगे NPM इंस्टॉल वाला, जब कमांड रन करोगे उसके बाद नोड मॉड्यूल के अंदर जाएगा आपके, उसके बाद इस तरह से वो गिट में जो दिया हुआ है उसको आप पेस्ट कर देंगे। लेकिन चूंकि हमने डायरेक्ट ही रेफरेंस लिया हुआ है CDN के थ्रू, तो नोड वगैरह की जरूरत है नहीं हमारे, एकदम सिंपल वे में अपन करेंगे इसको। उसके बाद ये जो थीम है इसका ग्लाइड का, उसको आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, तो इसको नहीं भी डालोगे तो कोई इशू नहीं है। अब ये हमारी वेबसाइट है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने स्लाइडर्स को लगाना। तो हर एक स्लाइड की फाइल हमें, अगर जैसे इमेज डालना है या उसके साथ टेक्स्ट भी डालना है तो वो भी कर सकते हो। तो गिट के थ्रू है ये स्लाइड वाली क्लास है, ग्लाइड वाली, ये अपन ने डाला इसके अंदर, और देख रहे हो जैसे लिस्ट के अंदर इसने बनाया हुआ है अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट। तो ये इसके अंदर जाके आप एक बार, मैं कॉन्सोल में देख लेता हूँ कि कोई फाइल मिसिंग तो नहीं है, तो हमारा कॉन्सोल तो एरर नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि सभी जो लाइब्रेरीज हैं CSS की और जावास्क्रिप्ट की वो सभी कनेक्टेड है। अब मैंने हर एक स्लाइड का नाम दे दिया है, अभी तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में भी स्लाइड करवा सकते हो, जरूरी नहीं कि इमेज वाला ही स्लाइडर आप लगाओ। तो जैसे देखो इसके अंदर slide 1, slide 2 ये सब आ गया है, लेकिन ये भी स्लाइड नहीं होगा, यानी खिसकेगा नहीं, ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि सबसे लास्ट वाली चीज हमने नहीं लगाई है जो कि इसको इनिशियलाइज करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब स्क्रिप्ट के अंदर गए हम, हमने ये पेस्ट कर दिया इसको, अब ये आराम से मूव करेगी। जैसे देख रहे हो ये slide 1 है, इसको मैं आराम से खिसका सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा वाला, जैसे अदर वेबसाइट में स्लाइडर तो बड़े से होते हैं और आराम से बहुत मतलब कलरफुल होते हैं, तो गाइज ये सिर्फ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है स्लाइड करने की, ये आपको कलर वगैरह और फोटो वगैरह नहीं प्रोवाइड करता, उसको हम लोग CSS से करते हैं। तो चलिए एक एक काम करते हैं, इसके अंदर एक इमेज लगाते हैं, और ये जैसे इसके इस लिस्ट के अंदर जो भी चीजें डालोगे वो स्लाइड हो जाएंगे इजिली। तो मैं क्या करता हूँ कि एक इमेज फाइल गूगल से ढूंढता हूँ और इमेज फाइल इसके अंदर डालता हूं, ताकि वो इमेज पूरा का पूरा स्लाइड हो जाए। तो एक T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मैं T20 वर्ल्ड कप का ही फोटो ढूंढ रहा हूं, कोई सा भी फोटो ढूंढ लेते हैं। इसको एक्चुअली पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन CSS के थ्रू होगा, वो LILI टैग के अंदर जो भी डाल दोगे आप वो पूरा का पूरा स्लाइड हो जाएगा, इतना सिंपल ही लाइब्रेरी है। जैसे ये वाला इमेज आया हमने, और इसको मैंने ग्लाइड अंडरस्कोर स्लाइड जो ये क्लास है इसके अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। अब फिर यही इमेज मैं कॉपी कर देता हूँ, वैसे आप रिप्लेस कर सकते हो, और जब आप एक्चुअल बनाओगे तो रिप्लेस करोगे ही। एक बार देख लेते मेरी वेबसाइट कैसी हुई, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश है, देखो ये अब स्लाइड करेगी पूरी की पूरी फोटो। अब देख रहे हो थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा मेन वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसकी समझ। अब हम क्या करते हैं, ये वाला क्लास उठाते हैं और इसके अंदर इसको थोड़ा सा हाइट विड्थ देके थोड़ा सा हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं स्लाइड को।
तो हमने थोड़ा सा सीएसएस इसको सेलेक्ट करा और थोड़ा सा जैसे विड्थ दे देता हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ा सा हाइट दे दूंगा। तो अब देखता हूँ कि मेरा कैसा दिख रहा है अपना जो स्लाइड है, देखते हैं। ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है। तो जैसा कि स्लाइडर होता है, जब भी होता है, तो आप क्या करें, एक ही रेजोल्यूशन, एक ही एस्पेक्ट रेशियो का रखना आप, ताकि इससे क्या होगा, वेबसाइट में पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिव फॉर्मेट में आ जाएगा आपका स्लाइडर, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर आपको सीएसएस के थ्रू एडजस्ट करना पड़ेगा। बॉडी से थोड़ा सा पैडिंग आ रहा है, तो एक बार बॉडी से मैं थोड़ा मार्जिन पैडिंग 0-0 कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। और मैंने गलती से इधर डॉट बॉडी लिख दिया है, मेरे को नॉर्मल बॉडी लिखना है। अब देखो आराम से थोड़ा सा पूरा चिपक के आ रहा है। अब मुझे खाली हाइट और विड्थ वो करनी है चेंज, इसके थ्रू मैं देख पाऊंगा कि मेरा जो स्लाइड है उस कितनी विड्थ है और हाइट कितनी विड्थ है। जैसे ये थोड़ा सा दिख रहा है पर पूरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि गलती से मैंने यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट करने के बजाय पूरे कंटेनर को सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा देखता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा विड्थ और हाइट जो है अप डाउन करके देख लेता हूँ। अब 450 पिक्सल में ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है इसके अंदर, लेकिन पूरी तरह से ये इमेज दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा हुआ है कि पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करा है, ना कि उसके अंदर इमेज को। तो क्या करता हूँ, उसका चाइल्ड इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा पूरा क्लास अप्लाई हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि अपना जो स्लाइडर है वो काफी बेहतर तरीके से दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे जो भी क्लास वगैरह मैं लगाऊंगा वो पूरा का पूरा इंप्लीमेंट होगा। तो इस तरह से गाइस कर रहे हैं हम लोग स्लाइडर का यूज। 3 स्टेप है इसके अंदर, ज्यादा कोई बहुत बड़ा स्टेप है नहीं। आपको बेसिकली क्या करना है, एक सीडीएन लगाना है। जैसे ये देखो, अभी छोटा कर दिया मैंने विड्थ को, तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। खैर सीएसएस तो आप कर लेंगे, मुझे इतना उम्मीद है, नहीं तो सीएसएस का मेरा वीडियो देख लेना आप, उसके अंदर थोड़ा बहुत सीएसएस मैंने समझाया है पूरा कोर्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि अपना जो इमेज है उसको अलग अलग कर देता हूँ, ताकि थोड़ा लगे कि हाँ भाई अलग अलग इमेज आ रहा है। अभी सेम ही इमेज हमारा स्लाइड हो रहा है, तो हमें अच्छे से दिख नहीं रहा है। कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, अच्छे से ट्यूटोरियल लाता रहूंगा मैं। ये स्लाइडर हमारा लग गया। सीएसएस तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब थोड़ा बेहतर दिख रहा है पहले की तुलना में। देखो गाइस, दो आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करना है, एक सीएसएस का और एक जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं करना। फिर ये ग्लाइड वाला ये हमारा कंपोनेंट डालना है, ठीक है, और लिस्ट के अंदर सारी स्लाइड्स जाएंगी हमारी, और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाल देंगे। उसके बाद टाटा बाय बाय।